सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एचएसएससी में हर छात्रवृत्ति से जुड़ी हुई एक और नई अपडेट के साथ। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 6 रीजंस के बारे में जिन कारण से आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट अभी तक आपको नहीं मिला है। तो क्या कुछ 6 रीजन है उनकी बात करते हैं। उनकी बात करने से पहले आपको चेक करना होगा आपका जो भी स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो। तो स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से सिंपली आप अपना आधार कार्ड के नंबर से आप अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड नंबर जो है फिल किए, आपने एकेडमिक सेशन सेलेक्ट किया, आपने स्कीम सेलेक्ट की और सिंपली आपने यहाँ से व्यू पे क्लिक किया तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब बात करें क्या कुछ रीजन है जिन कारण से आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको है अभी तक नहीं मिला। तो जैसे आपने एप्लीकेशन आपकी जो है ट्रैक की, उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या कुछ रीजन हो सकते हैं। तो 6 रीजन की बात हम करने वाले हैं। नंबर 1 होने वाला है कि कहीं आपका एप्लीकेशन का फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर जगह अप्रूव लिखा हुआ है, एक जगह पेंडिंग है। तो यहाँ भी अप्रूव है, यहाँ भी एप्लीकेशन सबमिट है, यहाँ भी अप्रूव है, यहाँ पे पेंडिंग है। अगर यहाँ पे कहीं भी अप्रूव की जगह आपका रिजेक्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आपका हो जाएगा एप्लीकेशन रिजेक्ट, जिस वजह से आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिलेगा। इसका क्या कुछ सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 पे हम बात करते हैं आपके सेकंड इशू की। तो सेकंड इश्यू कुछ इस प्रकार से है, इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन के हिसाब से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट अमाउंट नहीं आएगा। एप्लीकेशन अगर आपका कहीं भी इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन है, उसकी अगर बात करें कैसे पता लगेगा कि कंप्लीट नहीं हुई है आपकी वेरिफिकेशन, तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्टेप देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। 3 स्टेप हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद यहाँ कॉलेज लेवल पर अप्रूव होगी, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद नोडल बॉडी के रूप में आपके जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफिस हेड ऑफिस से आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे इनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है इस स्टेप पर, नंबर 3 स्टेप पर। जैसे ये कंप्लीट होती है इसके बाद इनकी जो है पेमेंट आ जाएगी। तो सेकंड आपका रीजन ये हो सकता है कि आपके कंप्लीट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है, इस वजह से आपके अकाउंट में आपके पैसे नहीं आए हैं। थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन में आपका आता है आधार कार्ड लिंक स्टेटस, बैंक लिंकिंग स्टेटस। आधार कार्ड नॉट लिंक टू बैंक अकाउंट, तो इसका कैसे पता लगेगा कि आधार कार्ड किस अकाउंट से लिंक है। मान लीजिए आपके 2 अकाउंट हैं, तो 2 में से किस अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आई है आपको कैसे पता लगेगा। मान लीजिए उस अकाउंट में आ गई जो अकाउंट आप यूज नहीं करते और वो अकाउंट किसी कारण से बंद है, तो इस वजह से भी आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेगी। तो इसका पता कैसे लगेगा कि अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं। उस जो भी आधार कार्ड वहाँ पे दिखाएगा, जो भी बैंक आपका वहाँ पे दिखाएगा, उस अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो थर्ड रीज़न आपका ये हो गया कि बैंक आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर है तो आपका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका लिंक भी है, उसके बाद भी आपका पैसा नहीं आया, तो वो किस वजह से नहीं आया, वो आपका होगा नंबर 4, 5 and 6 स्टेप के रूप में। तो नंबर 4 आपका होने वाला है, 4 रीज़न क्या हो सकता है, नंबर 4 पे आपके क्या रीज़न हो सकता है। तो नंबर 4 पे आपका रीज़न हो सकता है प्रोसेसिंग डिले, यानी आपकी स्कॉलरशिप का स्टेटस आपका कंप्लीट हो गया, आपकी स्कॉलरशिप डल भी गई लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो इसके लिए आपकी प्रोसेसिंग हो रही है डिले। इसके लिए आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करें, वो वहां पे आपको बता देंगे कि आपका जो है किस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर आपका स्कॉलरशिप यहां से डल गया है तो वहां नहीं आया है, तो इस वजह से वो बता देंगे। अगर बैंक से कुछ इशू होगा तो वो यहां वहां पे बता देंगे। अगर यहां पे कोई इशू है तो आपको वेट करना पड़ेगा, यहां से आप डायरेक्ट अपना ग्रीवेंस डाल देंगे। ग्रीवेंस कैसे डालें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यहां पे आप शिकायत डाल देंगे। जैसे आपकी प्रोसेसिंग डिले जो हो रही थी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। नंबर 4 रीजन आपका ये हो सकता है। नंबर 5 रीजन में बात करें तो नंबर 5 क्या हो सकता है, नंबर 5 आपका हो सकता है ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सीडेड, यानी आपकी लेन देन की सीमा अधिक हो गई है। तो लगभग मेरे जैसे मिलेंगे किसी के अकाउंट में होंगे नहीं, कुछ 2-4 रुपए होंगे, तो ऐसा तो कोई रीज़न आपका होने वाला है नहीं कि आपकी ट्रांजैक्शन की लिमिट ज़्यादा हो गई इस वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। लेकिन हाँ, एक ये मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन की लिमिट अगर ज़्यादा हो गई है तो भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, वो आपके कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये आपके हो सकता है ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा एक रीज़न और है जो हमारा मेन रीज़न होने वाला है नंबर 6 का, वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो या तो इनएक्टिव है यानी एक्टिव नहीं है, या तो या फिर आपका अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। तो इसका क्या कुछ सॉल्यूशन है, कैसे पता लगेगा अकाउंट क्लोज है या नहीं है, तो इसके लिए सिंपली आपको अपने बैंक में जाना है। अगर आपका
अकाउंट इनएक्टिव है या फिर आपका अकाउंट क्लोज है, सिंपली आपको अकाउंट में जाना है, वहाँ पे आपको पता कर लेना है जो भी आपका कैशियर वगैरह है जो भी, उसको अपने अकाउंट नंबर दे के वो आपको बता देगा कि आपका अकाउंट एक्टिव है या फिर नहीं है, या फिर आपका अकाउंट है क्लोज तो नहीं हो गया है। अगर आपके दो अकाउंट है तो आप सिंपली आधार लिंकिंग स्टेटस चेक कर ले और दोनों अकाउंट अपने एक्टिव कर ले ताकि आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं आए। तो कुछ ये 6-1 रीज़न थे जिस कारण से आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके जो है खाते में अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर इसके अलावा कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये रीज़न भी हो सकता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तो इतना ही, आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।